अगर आप मेरे पे चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल वाला आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारे और से बनाई वीडियो आप तक सबसे पहले। हेलो दोस्तों, मेरा नाम संदीप मुखर्जी। आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल आप कुछ नया सीखना स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर आप नया कंप्यूटर लेना चाहते हैं तो ये बात जान लेना आप लोगों के बहुत आवश्यक है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, मैं आज कंप्यूटर के आप लोगों को सेटिंग दिखाऊंगा, ऑन करके भी दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। दोस्तों, ये है मेरा सीपीयू, देख सकते हैं आप लोग, इंटेक्स का है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है, देखिए इंटेक्स कनेक्शन होगा इसमें। देखिए, सीपीयू का काम है सबका पावर जनरेट करना, सबका ये आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर का हेड होता है। देखिए, इसमें है मेरा पावर, देख सकते हैं आप लोग, और ये है मेरा डाटा के लिए, जो सीपीयू से जो हार्ड डिस्क में जो मेरा डाटा है वो मेरा मॉनिटर में दिखेगा। और इसमें कनेक्शन होगा मेरा जो ऑडियो आप लगाइएगा इसमें, क्योंकि ऑडियो तो नहीं है मेरा मॉनिटर में, इसलिए मैं यूज़ करता हूँ बीटेल का एक बुफर है 4.1 का, उसका मैं यूज करता हूँ। आप लोग उसको भी मैं बजा कर दिखाऊंगा साउंड क्वालिटी कैसा है। और देखिए, इसमें चार दिया हुआ यूएसबी का, इसमें आप इसमें कीबोर्ड का और माउस का कनेक्शन कर सकते हैं आप लोग। अब मैं लाना चाह रहा हूँ, ये डाटा केबल है और पावर केबल है। ये जो केबल देख रहे हैं ये आपका पावर केबल है, इसमें ये कोड जो देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये अलग कोड यहाँ लगता है और इससे मेरा यूपीएस में जाएगा जिसमें पावर होगा। और इसे कहते हैं हम डाटा केबल। देखिए, दोनों तरफ इसमें कोड लगा हुआ है, एक केबल सीपीयू में लगेगा और एक केबल जाएगा मेरा मॉनिटर में, इसी से डाटा ट्रांजेक्शन होता है सीपीयू से मॉनिटर में। दोस्तों, मैं लगाने जा रहा हूँ इसको, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो ब्लू रंग का है दिया हुआ और ये कोड है, यह इसमें लगेगा, देख सकते हैं आप लोग, मैंने लगा दिया। स्क्रू ड्राइवर ऐसा है सो टाइट कर दीजिए क्योंकि खुले ना, आपका सेफ्टी बना रहेगा इसमें। अब मैं लाना चाहूंगा मॉनिटर जिसका यूज होगा दोनों का। ये रहा मेरा मॉनिटर, देख सकते हैं आप लोग, इसमें भी दो कोड है, देखिए देख सकते हैं आप लोग, इसमें भी दो कोड है, एक पावर का एक डाटा का, देख सकते हैं आप लोग। इसी में मैं अभी ये केबल जो है पहले लगाऊंगा, इसका बाद पहले पावर केबल पहले लगा लेता हूँ। देखिए, डाटा केबल इसमें फिट कर लेता हूँ मैं, फिट हो गया। अब मैं इसका जो पावर केबल है वो लगा रहा हूँ, ये पावर केबल देख सकते हैं आप लोग, ये कोड उस सीपीयू जैसा ही है कोड जिस लाइन आता है, देख सकिए, देखिए आप लोग इसमें है, देख सकते हैं आप लोग इसमें। कनेक्शन कर दिया मैं, देखिए दोनों का पावर का कनेक्शन हो गया है, और जो पावर आएगा वो यूपीएस से आएगा, यूपीएस में मेन पावर आता है, उसके बाद सब में पावर जाता है उससे। अब मैं लाऊंगा यूपीएस को, जिसे कहते हैं अल्ट्रा प्रोसेस यूनिट। ये है मेरा यूपीएस, इसी में सब पावर जाएगा, देख सकते हैं आप लोग, 3 पिन दिया हुआ है, 1, 2, 3, इसमें 2 घुसेगा और 1 जो है वो मेरा बूफर का जाएगा। देखिए, मैं डाल रहा हूँ, देखिए ये कोड मैंने डाल दिया, ये रहा, इसमें मैं डाल दिया, ये हो गया है। अब मैं कनेक्शन जो करूंगा सीपीयू से करूंगा कीबोर्ड और माउस का। ये रहा मेरा कीबोर्ड और माउस जो मैं इसमें लगाने जा रहा हूँ। देखिए, कीबोर्ड इंटेक्स का कीबोर्ड भी है और डेल का माउस है, ठीक है, देख सकते हैं, यहाँ रख रहा हूँ मैं। ये रहा यूएसबी पोर्ट, इसमें लगाऊंगा, और ये भी माउस का भी यूएसबी पोर्ट है, देख सकते हैं आप लोग, ये यूएसबी का माउस पोर्ट है, आप लोग यहाँ लगा लीजिएगा।
देख सकते हैं आप लोग, लगा दिया मैंने। अब मैं बूफर का काम करूंगा। देख सकते हैं मेरा 4.1 का ये बीटेल का बूफर है, बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी है। साउंड क्वालिटी भी आपको चेक कराऊंगा, ठीक है। मैं यहाँ रख रहा हूँ, देखिए दोस्तों देख सकते हैं। मैं इसको भी यहाँ कनेक्ट कर दूंगा, जो आप लोग बताया था कि तीसरा कोड बाकी है, ठीक है। इसे भी लगा दिया। अब मैं जो लगाने जा रहा हूँ वो है 3 mm का ऑडियो जैक, इसे कहते हैं ऑक्स केबल। 3.mm का जैक है, इधर दो कोड है। इसे मैं इसमें बूफर में लगाऊंगा। आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर आउटपुट और इनपुट का दोनों सोर्स दिया हुआ है। इसमें आउटपुट में आपको बॉक्स लगेगी और इनपुट में ये दोनों लगेगी। वाइट वाला वाइट में लगाइएगा, रेड वाला रेड में लगाइएगा। और इसका जो 3mm का जो जैक निकला है ये आपका CPU में लगेगा। ये देखिए 300 यहाँ दिया हुआ है, ये आगे भी आपका मिल जाएगा, लेकिन मैं पीछे लगा रहा हूँ इसको, ठीक है। देख सकते हैं आप, यहाँ मैं पीछे कनेक्शन कर रहा हूँ। CPU का कनेक्शन हो चुका है दोस्तों, मॉनिटर का कनेक्शन हो चुका है, कीबोर्ड का भी कनेक्शन हो चुका है और माउस का भी कनेक्शन हो चुका है। अब बाकी है मेरा बॉक्स जोड़ने का। इसमें तो ये बेस का है, मैंने इसमें स्पीकर नहीं लगाऊंगा तो बेस बचेगी इसमें, ठीक है दोस्तों। देख सकते हैं आप लोग, ये है मेरा दोनों बीटेल का जो बॉक्स है, इसे मैं जोड़ूंगा। देख सकते हैं ये चार जो कोड है उसमें किसी दो में लगा दीजिए, किसी दो में क्या है, जिसमें जो कोड में रंग रहेगा उसी में लगाइएगा। देखिए ये वाला एक और लगा दिया मैंने, ये रहा मेरा स्पीकर, ये रहा स्पीकर। सारा काम हो चुका है दोस्तों, अब बाकी है मेरा UPS में लाइन देने का, ठीक है दोस्तों। मैं UPS में लाइन दूंगा। मैं लाइन देने के लिए मैं अटेंशन बोर्ड का यूज़ करूँगा दोस्तों, जो ये रहा मेरा अटेंशन बोर्ड, इसमें मैं ये केबल लगा दे रहा हूँ। मेरा लाइन आ चुका है दोस्तों, देखिए मैं इसमें लाइन देने जा रहा हूँ। ये जो है पावर का ऑन कर दीजिए, देखिए इसमें हरा बत्ती जल गई और मेरा बूफर में देखिए ब्लू रंग का लाइट जल रहा है। मैंने बूफर भी ऑन हो गया और उसमें भी लाइट जल रहा है, उसमें ऑन हो गया। देखिए अब इसमें ऑन करने के लिए मुझे ये जो रेड कलर का जो बटन देख रहे हैं यहाँ पर बड़ा वाला, ये वाला आपको प्रेस थोड़ा करनी होगी। प्रेस करके रखिएगा ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी। देखिए यहाँ पर ग्रीन रंग का लाइट जल रहा है। इसमें एक और खूबी है दोस्तों, आप अगर CD देखना चाहते हैं किसी शादी या किसी रिसेप्शन का तो देख सकते हैं आप, यहाँ ऑन करके भी इसमें CD डाल के आप लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मैं CD नहीं लगा रहा हूँ अभी। देखिए मेरा मॉनिटर ऑन हो चुका है, देखिए आप लोग देख सकते हैं मेरा मॉनिटर ऑन हो चुका है। और मैं माउस से यहाँ कंट्रोल करूँगा मॉनिटर को, देख सकते हैं मेरा कीबोर्ड भी देखिए ऑन हो चुका है, देखिए यहाँ हरा रंग का बत्ती जल रहा है और मेरा माउस में भी लाइन आ चुका है, देखिए ग्रीन कलर का। देखिए मेरा देखिए पासवर्ड है, मैं पासवर्ड अभी टाइप करूंगा। देखिए ये इसमें नम लॉक मेरा खुला हुआ है, कैप्स लॉक में बंद कर दूंगा। कैप्स लॉक में यह होता है दोस्तों कि सब चीज जो है बड़ा बड़ा लिखाता है, ठीक है। देखिए मैं अपने पासवर्ड डाल रहा हूँ RIYA, ले लिया दोस्तों। देखिए मैं पासवर्ड डालूंगा फिर RIYA, देखिए मेरा मॉनिटर ऑन हो चुका है। देखिए ये है मेरा मॉनिटर ऑन करके मैं दिखा दिया। अब दिखाता हूँ बीटेल का जो बूफर ज्वाइन किया
किया था उसका साउंड क्वालिटी कैसा था। पहले दोस्तों आप मोनिटर ऑन कर कभी आप एप्लीकेशन मत खोलिएगा, एप्लीकेशन खोलिएगा तो आपको देखिए एंटीवायरस आ सकती है, इसलिए पहले आप रिफ्रेश मार लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, पहले आप रिफ्रेश मार लीजिएगा। देखिए मैं इस साइड आया था, देखिए ये रिफ्रेश है, यहाँ से रिफ्रेश मार सकते हैं, या यहाँ से भी माउस से भी आप क्लिक करके रिफ्रेश मार सकते हैं, या आप कीबोर्ड से भी मार सकते हैं। मैं वो भी दिखाऊंगा कि कीबोर्ड से कैसे रिफ्रेश मारा जा सकता है। मैंने एक बार रिफ्रेश मार दिया। अब जो यहाँ F5 है दोस्तों, ये F5 दबाइएगा। ठीक है, देखिए आपने आप वहाँ पर जो एप्लीकेशन है सब देखिए हिल रहे हैं। F5 को दबाइएगा तो वो ऑटो, ये है शॉर्टकट है दोस्तों, आप कर सकते हैं। अब मैं एप्लीकेशन ऑन करके दिखा रहा हूँ मेरे कंप्यूटर का। देखिए मेरा कंप्यूटर ऑन हो चुका है, मैं संदीप डी में अपना फाइल सब रखा हूँ। मेरा नाम संदीप बनर्जी है इसलिए मैं संदीप बनर्जी में सब रखा हूँ। आप लोगों का मैं बेस दिस सुना दिखाऊंगा जो मेरा बूफर का है, आवाज क्वालिटी बताऊंगा आप लोग को कैसा है। देखिए मेरा गाना बज रहा है, साउंड क्वालिटी आप देख सकते हैं बहुत अच्छा साउंड क्वालिटी है। सब मेरा पूरा कंप्यूटर ऑन हो चुका है। आप लोग मैं वीडियो दिखाऊंगा, देखिए वीडियो भी मेरे शानदार HD में चलेगा। मैं इसमें एक वीडियो भी आप लोग दिखाऊंगा, देख सकते हैं फुल HD में चल रही है मेरी वीडियो, देखिए देख सकते हैं। देख लिया दोस्तों आप लोग ने मेरी वीडियो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है दोस्तों।